Welcome again, dear class. In this class, we will again revise chapter 2, है ना? इस क्लास में हम चैप्टर टू को फिर से रिवाइज करेंगे, जो हमारा प्रायोरिटी टेस्ट का सेकेंड चैप्टर है, जो कि आने वाला है. चैप्टर वन है टू, जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट, आर्ट इन्वॉल्व. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के जरिए दिखाया है कि जो भी आपके आसपास की चीजें जो भी आपको दिख रही है ना, वो एनवायरमेंट में आती है. 1 मिनट. ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर वन को फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं. जैसे हमारा चैप्टर है आर एनवायरमेंट, जो भी आपके आसपास की चीजें दिखती हैं. ठीक है, जो भी आपके आसपास मौजूद है, ठीक है, वो हम कहते हैं एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं. सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमारे आस पास का सराउंडिंग है वो हमारा एनवायरमेंट कहता है. या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, द सम टोटल ऑफ, या ऐसे कहते हैं, एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट कंपोज द सराउंडिंग ऑफ ए मैन. ठीक है, जो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग है, जो एक सराउंड करता है एक मैन को, वो उसका उसके लिए कहलाता है उसका एनवायरमेंट. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो उसके आसपास मौजूद होती हैं, एक इंसान के ऑर्गेनिज्म के, वो उसका कहलाता है. उसमें लिविंग और नॉन लिविंग को की बात की जा रही है, तो वो उसका कहलाता है, वो उसका कहलाता है एनवायरमेंट. ठीक है, हमारा एनवायरमेंट किन किन चीजों से बना है, ये हम आज पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट हाँ क्या है, एनवायरमेंट इज द सम टोटल फैक्टर्स लिविंग और नॉन लिविंग दैट इन्फ्लुएंस द, मतलब ये कह सकते हैं, जो हम एक मैन के, मैन को प्रभावित करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे हम कहते हैं उसका एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट कंपोज द सराउंडिंग ऑफ मैन. इन्हीं के साइड माइक ऑन है, क्या है तो बताया कि एनवायरमेंट जो होता है, द सम टोटल फैक्टर, जैसे कि अबायोटिक और बायोटिक, जो एक जो हमारे सराउंडिंग को कंपोज करता है, वो उस मैन के लिए उसका कहलाता है एनवायरमेंट. हमारा एनवायरमेंट दो कंपोनेंट से मिलके बना है. तो लिखते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये दो चीजों से मिलके बना है. पहला है आपका बायोटिक और दूसरा है आपका बायोटिक. ठीक है, पहला है आपका बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक. बायोटिक में इसमें आता है लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एक मिनट रुको. एनवायरमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है, हमें ये पढ़ना है. पहला है हमारा बायोटिक. बायोटिक में हम लिविंग चीजों को डाल रहे होते हैं. ठीक है, लिविंग चीजें कौन कौन सी है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, हम आप हो गए, ये आपके एनिमल्स हो गए, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आएंगे. और दूसरा है अब आपका अबायोटिक, या इसे हम फिजिकल या नॉन लिविंग भी कह सकते हैं. अबायोटिक में मेनली आप लिविंग को कह सकते हो, कि जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सको, जो नॉन लिविंग हो, उन्हें हम कहते हैं अबायोटिक. इसमें नॉन लिविंग चीजें आती हैं, नॉन लिविंग, ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हवा हो गया, है ना, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो और ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्हें हम अबायोटिक कहते हैं. ठीक है, अब चलते हैं बायोटिक की ओर. तो
पहला हमारा कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का बायोटिक, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें लिविंग आता है, ठीक है। बायोटिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन कौन सा आता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कुछ अर्पित? याद है बायोटिक में क्या क्या आता है? बायोटिक भी ये तीन चीजों से मिलके बना है। पहला है हमारा प्रोड्यूसर्स, और दूसरा है हमारा कंज्यूमर, और तीसरा है हमारा डीकंपोजर्स, ठीक है। कुछ याद आया? तो बायोटिक जो कंपोनेंट है हमारे क्या बोलते हैं एनवायरमेंट का, उसमें पहला जो वो भी तीन चीज, उसमें भी तीन चीजें आती हैं। पहला है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, और तीसरा है कंपोजर डिकम्पोजर्स। तो आपको प्रोड्यूसर पता ही, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है ना, उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद भी बना लेते हैं। इन्हें हम ऑटोट्रॉफ, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, आखिर एनर्जी का सोर्स, तो हमें जो एनर्जी का सोर्स मिल रहा है वो तो हमारा प्रोड्यूसर से ही मिल रहा है ना, फूड के फॉर्म में। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं इन्हें हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ उन्हें कहते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लें, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स आते हैं। आपका दूसरा है कंज्यूमर, कंज्यूमर को हम हेटरोट्रॉफ भी कह सकते हैं, हेटरोट्रॉफ, ठीक है, हेटरोट्रॉफ भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आप कंज्यूमर में ही आते हैं, है ना, ठीक है। फिर हम कंज्यूमर को भी डिकम्पोजर बाद में करते हैं, ओके। ये आपका डिकम्पोजर, ठीक है। कंज्यूमर को भी हम फिर तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं, कुछ याद है? पहला पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, पहला होता है आपका ठीक है। तो हमारा एनवायरनमेंट जो भी हमारे सराउंडिंग पे पाया जाता है, जो हमें इन्फ्लुएंस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। द सम टोटल फैक्टर, द सम टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट कंपोज आर सराउंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर लैंड वुड कॉल्ड, और क्या कहते हैं इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है वो है हमारा बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। तो पहले हम लोगों ने बात की बायोटिक, बायोटिक में जितने भी लिविंग्स आते हैं उन्हें हम किसी 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 के अंदर कैटेगराइज करते हैं, डालते हैं, रखते हैं। बायोटिक में आपका, बायोटिक भी हमारा तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, और तीसरा होता है डीकंपोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इन्हें हम प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हो जाए और कंज्यूमर के बाद डीकंपोजर, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से जो हमें एनर्जी मिल रहा है वो हमें प्रोड्यूसर से ही मिल रहा है, इस वजह से इन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और एक इन्हें दूसरा नाम भी दिया गया ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, इस वजह से हम लोग जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर को, कंज्यूमर प्रोड्यूसर से मिलने वाली चीजों को कंज्यूम करता है, खाता है ना, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम हेटरोट्रॉप भी कहते हैं। हमारा कंज्यूमर तीन भागों में फिर क्लासिफाइड फाइट किया गया है। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में हम हर्बीवोरस एनिमल को डालते हैं, कुछ याद आ रहा है आपके? हाँ, कुछ याद आ रहा है? प्राइमरी में हम हर्बीवोरस को डालते हैं। हर्बीवोरस क्या है? हमें पता है जो प्लांट और उसके पार्ट्स को ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, है ना, ठीक है। दूसरा है हमारा सेकेंडरी ईटर ऑफ हर्बीवोर्स। सेकेंडरी किसे कहते हैं? ईटर ऑफ हर्बीवोर्स, जैसे कि आपका, या इसे हम कार्निवोर्स भी कहते हैं, याद है कुछ मैंने आपको बताया था? कुछ याद है? देखिए आपका लिखा हुआ यहाँ पे होगा, प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, ठीक है।
जो कंज्यूम कर रहा है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर को फर्दर क्लासिफाई किया गया थ्री कैटेगरीज में, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में आपका आता है हर्बीवोर्स एनिमल्स, जैसे कि आपका गोट हो गया, आपका लाइन हो गया, डियर हो गया, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर में जो हर्बीवोर ईटर, यानी कि आप ईटर ऑफ हर्बीवोर, जो हमारे हर्बीवोर्स को खा रहे होंगे, जैसे शेर हो गया है ना, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। एंड दे आर सम एनिमल विच फीड ऑन बोथ एंड और टर्शियरी ईटर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर को भी कोई खाने वाला होगा, उसे हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। हम ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट का ही एक हिस्सा है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, या आप कह लो अर्थ वॉर्म भी इसके अंदर आ जाएगा, डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिकम्पोजर इन एडिशन टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकम्पोजर्स को हम सैपोट्रॉफ भी कह सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स को हम सैप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना खाना, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, कंज्यूमर को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ, क्योंकि ये अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है ना, ये अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, इसे हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। और डिकम्पोजर उन्हें कहते हैं जो अपने खाने के लिए, यानी अपना न्यूट्रिएंट, डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब मैक्रो, डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट से अपना डिराइव कर रहे हैं, ले रहे हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, या इन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स का भी नाम दे सकते हैं। सैप्रो, ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ठीक है, इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स करता क्या है, डिकम्पोजर जो होता है डिकम्पोज करता है और ब्रेक डाउन करता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स मैटर को इनटू मिनरल्स में। ओके, मुझे लिखा हुआ है डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल इनटू मिनरल्स, दिस मिनरल्स गेट मिक्स्ड अप विद द सॉइल एंड आर देन अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जैसा कि मान लो कि ये हमारा सॉइल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, डेड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट एनिमल जो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा डिकम्पोजर होता है, ये डेड डिकेइंग पार्ट्स को कन्वर्ट करता है मिनरल्स में, और फिर ये मिनरल्स जाता है सॉइल में, फिर इसे हमारा प्लांट यूज, प्रोड्यूसर्स यूज में लाता है, फिर इसे एनिमल्स खाता है, ये डेड होते हैं, मरते हैं, हर चीज मरते हैं दुनिया में, हम जानते हैं हर चीज का डेड है, हर चीज को डाई होना है, मरना है, तो ये फिर इनकी बॉडीज को, डेड पार्ट को, इनसे न्यूट्रिशन उन्हें लेना होता है, और डिकम्पोजर लेते हैं और फिर जाके इसके रिमेनिंग पार्ट को कन्वर्ट कर, डिकम्पोज कर देते हैं मिनरल्स में, और फिर ये मिनरल्स हमारे सॉइल के साथ मिक्स होता है, फिर इसे प्लांट यूज करते हैं, इसे रिसाइक्लिंग ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में जो हेल्प करने वाले ऑर्गेनिजम्स का, डिकम्पोजर्स का नाम यहाँ पे बताया गया है, वो है हमारा बैक्टीरिया और कुछ फंगी, इवन आपका अर्थ वॉर्म भी इसमें आ सकता है। दीज आर सो स्मॉल दे दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज, दे आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। अर्थ वॉर्म तो हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो आसपास हमारे मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इन्हें हम डिकम्पोज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या इन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, फ्रॉग, वल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये जो हमारे कुछ एग्जाम्पल बर्ड्स के दिए गए हैं, ये ऐसे कंज्यूमर हैं जो डेड और डिकिंग बॉडी पार्ट्स, किसी भी एनिमल के बॉडी पार्ट्स को खाते हैं। प्लांट्स के पार्ट ने, डिकम्पोजर तो डिकम्पोज कर देता है भाई, अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेता है प्लांट से भी और एनिमल से भी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स उन्हें कहते हैं, ऐसे जानवरों को कहते हैं, यानी पक्षियों को कहते हैं, बर्ड्स को कहते हैं, जो अपने न्यूट्रिशन को डेड डेड बॉडी ऑफ एनिमल से ले रहे होते हैं, डिराइव कर रहे, तो ले रहे होते, तो इन्हें हम कहते हैं
स्कैवेंजर्स। देखो स्कैवेंजर्स में लिखा हुआ है, एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जेकार्स, क्रॉस, वेल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। दिस प्रोसेस हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इस तरह से ये हमारे पर्यावरण को साफ करने में हेल्प करते, इसलिए मैंने आपको बताया था ऑफलाइन मोड में इन्हें हम क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट, क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट भी कहते हैं। डू यू नो कि आप जानते हैं, इफ डेड ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिकम्पोज, देयर नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होते, ठीक है, तो जो चीजें मरती हैं, हर चीजें दुनिया में खत्म होती हैं, मरती हैं, पेड़ भी मरेगा, इंसान जानवर सब मरेंगे, ठीक है, हर को मौत आना है, हर को मृत्यु का मजा चखना है, हर को खत्म होना है। तो ये जब मरेंगे तो इनको अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इनके नंबर्स धरती पर बढ़ते चले जाएंगे, डिकम्पोज नहीं हो पाएगा डिकम्पोजर, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और अर्थ पर कोई स्पेस नहीं बचेगा, जगह नहीं बचेगा कि उनपे हम आप उस लिविंग मतलब इस धरती पर रह पाए। इन्हीं डिकम्पोजर्स की वजह से जो डेड बॉडीज होती हैं, प्लांट की या एनिमल्स की या किसी और चीज की, ह्यूमन बींग्स की, डिकम्पोजर, जैसे कि आप देख रहे हो ना कि इंसान को जब मरता है तो बहुत सारे को दफनाया जाता है, तो उनकी बॉडी जाती क्या है, इन्हीं डिकम्पोजर्स की वजह से डिकम्पोज उनकी बॉडी हो जाती है, डेड बॉडीज हो जाती है। उससे जो उनको न्यूट्रिशन अपना लेना होता है, फूड देना होता है, वो दे देते हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं मिनरल्स में, ठीक है। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन कॉज वेरियस डिजीज। यह वह है कि आपका जो कुछ बैक्टीरिया है हवा में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, जो हम आप में कई तरह की बीमारियां कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी आपके आसपास चीजें हैं जो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर रही हैं, वो गाई चीजें नॉन लिविंग लिविंग थी, जो भी आपके आसपास है वो हमारा कहलाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है वो होता है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक में हम लोगों ने जाना, बायोटिक के अंदर तीन चीजें आती हैं, पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को हम लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपको एनर्जी इस प्रोड्यूसर की वजह से ही मिल रहा है। अगर प्रोड्यूसर है तो इंसान खा रहा है, अगर प्लांट्स हैं तभी तो हमारा हर्बीवोर्स भी खा रहा है, उसमें उसको हर्बीवोर्स भी खा रहा है, हर्बीवोर्स को हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को हमारा टर्शरी कंज्यूमर खा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी का सोर्स प्रोड्यूसर्स है, इसलिए हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इन्हें हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आएंगे। जिसका आपका कंज्यूमर, जिन्हें हम हेटरोट्रॉफ भी कहते हैं, जो कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर को हम तीन भागों में फिर क्लासिफाइड किए हैं, पहला है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरा है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी में हर्बीवोर्स एनिमल्स को हम डालते हैं, आपको पता है हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, दूसरे में हम डालते हैं सेकेंडरी ईटर ऑफ हर्बीवोर्स, जो हर्बीवोर्स को खा रहे होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर में करते हैं, और टर्शियरी में हम करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को ईटर ऑफ द सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, उसे हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स इन्हें कहते हैं, या डिकम्पोजर में आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगी हो जाएगा और आपका अर्थवॉर्म भी आ जाएगा, लेकिन अर्थवॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा, नहीं, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अपने देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों से, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बता, जो नॉन लिविंग है, जो हमारे एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसे हम अबायोटिक फैक्टर में या अबायोटिक कंपोनेंट में डालते हैं। अबायोटिक में आपका क्या क्या आ जाएगा, मैंने आपको ये भी बताया, जो फिजिकल स्टेट है या आपका नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपका आ जाता है अबायोटिक। अबायोटिक को जनरली हम ऐसी चीजों को डालते हैं जो नॉन लिविंग है और साथ ही साथ जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। हवा को क्या काउंट कर सकते हो, वाटर को क्या काउंट कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो, तो इन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। बेटा वायरस जो है ना, एक का सवाल आया है अर्पित का, वायरस जो होता है ना वो ना ही, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म,
वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे बॉर्डर लाइन पर रखा गया है, जिसे इसकी एक खासियत है, इसकी एक फीचर है कि कब जब इसे किसी लिविंग बॉडी का ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो भी ये अपने अपने नंबर्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि उनमें रिप्रोडक्शन होगा, दे कैन रिस्पायर, दे कैन मूव, है ना। तो रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है ना, ये खासियत एक लक्षण है जिससे हम कह सकते हैं ये लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग की कैटेगरी में हम इसे नहीं डाल सकते वायरस को, क्योंकि वायरस जो होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए इसे किसी लिविंग बॉडी की जरूरत होती है। जब तक इसे लिविंग बॉडी नहीं मिलेगा तब तक ये अपने नंबर्स को इंक्रीज नहीं कर सकता, नंबर को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, खुद को ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस वजह से इसे हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी में डालते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे, ठीक है। ये ना तो ये तो नॉन लिविंग है ना लिविंग है, दोनों लाइन है, दोनों बॉर्डर के बीच में, ठीक है। और चीजें हम जो हम लोग को पढ़नी है वो है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स हैं, दीज आर मटेरियल्स व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो चीजें जिन्हें आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हो, टूट सकता है, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। हम लोगों ने पहले कंपोनेंट, एनवायरनमेंट के पहले कंपोनेंट यानी कि बायोटिक के बारे में पढ़ा, जिसमें लिविंग चीजें आती हैं, उसको डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अबायोटिक फैक्टर या अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ जो हमारा होगा अबायोटिक फैक्टर ऑफ या अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।